सत श्री अकाल, कैसे हैं दोस्तों। मैं फिर आ गया आप लोगों से मिलने के लिए और आज बात करने वाला हूं आप लोगों से बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के ऊपर। टॉपिक क्या है, क्वेश्चन आया न्यूट्रलाइजर क्या होता है, न्यूट्रलाइजिंग इन कलर। मतलब हम लोग बहुत बार ये टर्म यूज करते हैं कि हमने ये कलर न्यूट्रलाइज किया, ये कलर न्यूट्रलाइज किया। किसी ने लिखा है कि न्यूट्रलाइज करने का मतलब क्या होता है कलर के अंदर। तो कलर में न्यूट्रलाइजिंग का मतलब होता है कलर कटिंग, कलर करेक्शन और न्यूट्रलाइजिंग। आप कुछ भी बोल सकते हो, कलर करेक्शन भी बोल सकते हो, कलर कटिंग भी बोल सकते हो। अभी इसको हम लोग कहां कहां यूज करते हैं उसके बारे में बताता हूं। अगर हम लोग बात करें, देखो आप ये ना लिख लो, आप ग्रीन न्यूट्रलाइजेस रेड कलर, ग्रीन कलर कट करता है रेड कलर को, रेड कलर कट करता है ग्रीन को। अगर मैं बात करूं ब्लू की, ब्लू कट करता है ऑरेंज को और ऑरेंज कट करता है ब्लू को। और अगर मैं बात करूं वायलेट की, तो वायलेट कट करता है येलो को और येलो कट करता है वायलेट को। तो ये बेसिकली आपको समझना पड़ेगा। कभी भी हम लोग कलर करते हैं इसी के ऊपर ज्यादातर बेस रहता है हमारा, कलर करेक्शंस के ऊपर। और एक अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट इस बात को, अगर मैं कलरिस्ट की बात करूं तो उसको इस बात के ऊपर पूरी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। जब तक आपको न्यूट्रलाइजिंग के ऊपर समझ नहीं आएगा, प्रॉपर कलर नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं हमारे बालों के अंडरटोन के बारे में, तो उसमें आपको देखोगे रेड भी है, ऑरेंज भी है, येलो भी है। ये सब हमारे बालों के अंदर पिगमेंट्स हैं। वहां पे हमें कैसे न्यूट्रलाइज करके कैसे एक दूसरा कलर को लेके आना है। अगर मैं न्यूट्रलाइजिंग के एक डेफिनेशन की बात करूं, तो इसमें बेसिकली हम लोग एक कलर को ऐड करके दूसरे कलर की इंटेंसिटी को कम कर रहे हैं। क्या बोला मैंने, एक कलर को ऐड किया दूसरे कलर की इंटेंसिटी को खत्म करने के लिए। जैसे हमारे बालों के अंदर कूल कलर्स भी हैं और वार्म कलर्स भी हैं। कूल कलर्स वार्म कलर्स को अगर आप मिक्स करते हो तो वहां पे वो बनता है न्यूट्रल कलर। न्यूट्रल मतलब इन शॉर्ट, जैसे एक सैम हम हमेशा एक एग्जांपल देते हैं, गर्म पानी और ठंडे पानी को जब आप मिक्स करते हो 50-50 बिल्कुल प्रोपोर्शन सेम, तो वहां पे क्या है, आपका नॉर्मल पानी हो जाता है। इसी तरीके से जब हम कलर करते हैं, तो आपके कलर में हम लोग वार्म को और कूल को जब हम लोग मिक्स करते हैं तो वहां पे न्यूट्रल टोन आता है, जो भी आपका डिजायर्ड शेड है। इसमें एक्चुअली इट्स बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज खाली न्यूट्रलाइजेशन के ऊपर बात करूंगा। इसके ऊपर हम लोग और भी बात करने वाले हैं। बाकी एक छोटा सा वीडियो मैं आपको सैम मैम का दिखाता हूं, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से सैम मैम ने एक्सप्लेन किया है। एक बार आप उसको देखो, उसके बाद में हम लोग करते हैं बात। तो चलिए देखते हैं सैम मैम का वीडियो। अभी हम बात करेंगे वार्म कलर्स की और कूल कलर्स की। What do you mean by warm colors and what do you mean by cool colors? So red, orange and yellow are your warm colors and violet, blue and green आपके हैं cool colors. अभी warm colors हैं, आप देखोगे warm colors में क्या है, vibrancy है, right? There is heat in that color. ये जो colors हैं वो easily attract करते हैं attention को। अगर आप देखो तो रेड, ऑरेंज, येलो, ये सारे कलर्स क्या है, इसमें वार्मथ नजर आती है। ये कलर्स कौन से हैं, सन के कलर्स हैं, राइट? इसीलिए इसमें बोलते हैं देयर इज वार्मथ इन दिस कलर, ये वार्म कलर्स हैं, ओके? उसके अपोजिट जो है वायलेट, ब्लू, ग्रीन, ये कलर्स हैं कूल कलर्स। इनको जब हम देखते हैं तो क्या लगता है, एक शांति मिलती है, आंखों को ठंडक पहुंचती है ना? सो कूल कलर्स And warm colors, okay? Confused मत हो, very easy. Line के इस तरफ जो है वो है warm colors, line के इस तरफ जो है वो है cool colors, okay? अब आता है आपका color correction या फिर color cutting. बहुत ध्यान से सुनिएगा इस topic को, because इसमें बहुत confused हो जाते हो आप लोग. So please pay attention on this. Color correction या फिर color cutting, जिसको आप न्यूट्रलाइजिंग भी बोलते हो, विच इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजिंग। अभी आपने देखा वार्म कलर्स और कूल कलर्स को। अभी एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, आपके पास में बहुत गर्म पानी है और आपके पास में बहुत ठंडा पानी है, आपको दोनों को नॉर्मल पे लेके आना है, तो आप क्या करोगे, राइट? दोनों को मिक्स कर दोगे, मतलब गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों को आपको क्या करना है, नॉर्मल पे लेके आना है, मतलब न्यूट्रलाइज करना है। तो अब क्या करोगे, वार्म एंड कोल्ड को मिक्स करके आप लेके आओगे नॉर्मल पर, ओके? सो अभी क्या होता है,
कलर कटिंग। सो कलर कटिंग या कलर करेक्शन की डेफिनेशन ये होगी, किसी एक कलर के इफेक्ट को किसी दूसरे कलर से कम करना। अगेन, किसी एक कलर के इफेक्ट को किसी दूसरे कलर से कम करना। अब ये कौन तय करेगा कि कौन से कलर के इफेक्ट को कौन सा कलर कम करेगा? ये तय करेगा आपका कलर व्हील। इसीलिए मैंने कहा था, इस कलर व्हील को अगर आप अपने दिमाग में छाप लो तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा कलर करेक्शन में, कलर कटिंग में। इस कलर व्हील में आप अगर देखो, इस कलर व्हील में एक दूसरे के जो अपोजिट कलर हैं, आपने ये कलर व्हील यहाँ पे आपने देखा ड्रॉ किया हुआ है, मतलब अगर एक कलर है उसके अपोजिट जो कलर है, आप अगर कलर व्हील को चेक करेंगे आपको दिखेगा रेड के अपोजिट क्या है, ग्रीन, राइट। ब्लू के अपोजिट क्या है, ऑरेंज, और येलो के अपोजिट क्या है, वायलेट। इसका मतलब रेड और ग्रीन एक दूसरे को काटता है, ब्लू और ऑरेंज एक दूसरे को काटते हैं, येलो और वायलेट एक दूसरे को काटते हैं। इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स भी कहते हैं, ओके, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, ओके, ये एक दूसरे को काटते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी रेड जो है, रेड की कलर प्रॉपर्टी क्या है, वाइब्रेंसी, राइट। तो रेड की वाइब्रेंसी अगर मुझे कम करनी है तो मैं क्या करूंगी, मैं ग्रीन लूंगी और उसके ऊपर या फिर उसमें मिक्स कर दूंगी या उसके ऊपर लगा दूंगी, तो क्या होगा, रेड की जो वाइब्रेंसी है वो एकदम से कम हो जाएगी, ओके। दिस इज कॉल्ड एज कलर कटिंग और कलर करेक्शन और न्यूट्रलाइजिंग, ओके। डोंट बी कंफ्यूज, कलर कटिंग, कलर करेक्शन एंड न्यूट्रलाइजिंग सब एक ही चीज है, ओके। तो हमारे तीनों प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके आपका बनेगा ब्राउन कलर, ओके। ब्राउन कलर कैसे बनता है, तीनों प्राइमरी कलर्स को जब आप मिक्स करते हो तो बनता है ब्राउन कलर, जो कि है आपके स्किन का कलर, जो कि है आपके हेयर का कलर, ओके। अभी अगर हमें हेयर कलर के बारे में जानना है तो हमें ये कुछ चीजें जाननी पड़ेंगी, जैसे कि हमारा हेयर का कलर होता कहाँ है, कहाँ पे कैसे होते हैं अलग अलग हेयर कलर्स, हमें कैसे मिलता है डार्क कलर्स या कैसे मिलते हैं लाइट कलर्स, ओके। अभी हम बात करेंगे हमारे बालों के कलर के बारे में, ठीक है। आप लोगों ने देखा बालों का स्ट्रक्चर क्या है और बालों का कलर है वो कौन से लेयर में होता है आपके हेयर के, वो होता है सेकेंड लेयर ऑफ द हेयर विच इज कॉर्टेक्स, ओके। हमारे बालों के जो पिगमेंट्स होते हैं वो होते हैं सेकेंड लेयर में, जो कि है कॉर्टेक्स, ओके। अभी ये जो है पिगमेंट्स कौन से होते हैं, येलो, रेड एंड ब्लू। अभी जो कलर के पिगमेंट्स हैं ये किससे डिसाइड होते हैं, जो मेलानिन आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, आपकी जो स्किन है, आपके जो हेयर है, हेयर के रूट है, वो क्या करता है, मेलानिन प्रोडक्शन करता है। ये मेलानिन प्रोडक्शन जो है वो डिसाइड करता है कि आपके बालों का कलर क्या होगा। आपके बालों में तीन पिगमेंट्स होते हैं, वो है येलो, रेड एंड ब्लू, जो आपके प्राइमरी कलर्स हैं, याद है, ओके। सो येलो, रेड एंड ब्लू आर द कलर पिगमेंट्स दैट यू हैव इन योर हेयर। कौन करता है इनको, मेलानिन, ओके। तो मेलानिन जो होता है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है यू मेलानिन और एक होता है फ्यू मेलानिन। यू मेलानिन में ब्लैक और ब्राउन डोमिनेंट होता है, मतलब यू मेलानिन जो है वो डार्क कलर हेयर के होते हैं, सो दैट इज व्हाई जो डोमिनेंट है कलर वो क्या है, ब्लैक एंड ब्राउन। इसीलिए अब हमारे जो एशियन हेयर है वो ज्यादा करके उसमें क्या है, यू मेलानिन ज्यादा है, क्योंकि ब्लैक और ब्राउन ज्यादा है उसमें, ठीक है। अभी फ्यू मेलानिन जो है उसमें रेड और येलो डोमिनेंट है, क्या डोमिनेंट है, रेड एंड येलो। इसीलिए आप देखोगे ये जो है लाइट हो जाते हैं हेयर, और जो यूरोपियन हेयर है, कॉकेशियन हेयर है जिसको हम बोलते हैं, वो होता है फ्यू मेलानिन, ठीक है। उसमें फ्यू मेलानिन जो होता है वो ज्यादा होता है, इसीलिए बाल आप देखोगे
रेड और ब्लॉन्ड होते हैं इसकी वजह से, ठीक है। सो हमारी जो एशियन है उसमें क्या डोमिनेंट है, यूमेलानिन, और जो यूरोपियन हेयर है उसके लिए क्या डोमिनेंट है, फ्यूमेलानिन। ये कहाँ है, ये जो पिगमेंट्स है ये कहाँ है, कलर के पिगमेंट्स आपके सेकेंड लेयर में जो है कॉर्टेक्स, ठीक है, ये डिसाइड करता है आपके बाल कितने डार्क होंगे, कितने लाइट होंगे, या फिर उसमें कौन सा रिफ्लेक्शन होगा, ये डिसाइड करता है ये कॉर्टेक्स, ठीक है। तो देखा आप लोगों ने कितना अमेजिंग सैम मैम ने आपको एक्सप्लेन किया, और सैम मैम का एक्सप्लेनेशन है, मैं बोलता हूँ मुझे जितना इजी सैम मैम का एक्सप्लेनेशन लगता है, भले वो कलर के ऊपर हो, भले वो हेयर साइंस हो, दिस इज सुपर्ब। इसी तरीके से सैम मैम ने हमारी ऑनलाइन क्लासेस में इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है कलर को लेके, हेयर साइंस को लेके, एक एक चीज़ के ऊपर विद एग्जांपल बात करते हैं सैम मैम, इमीडिएटली दिमाग में घुस जाती है बात। तो मुझे लगता है आप लोगों को आज भी आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। बाकी हम लोगों की अभी जैसे मैंने आपको बताया ऑनलाइन क्लासेस तो बहुत चल रही है, लेकिन ये 1200 रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस के साथ 3 से 3.5 महीने का जो कोर्स है वो अभी एंडिंग पे है। अगर आपने इस महीने ज्वाइन कर लिया, मतलब इस महीने अगर आपने ज्वाइन किया तो वो आपको मिलेगा 1200 रुपए में, और अगर वो आप अगले महीने मतलब अक्टूबर में अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये कोर्स आपको मिलेगा 10,000 रुपीज में। सितंबर इज द लास्ट मंथ, अगर आप ज्वाइन कर सकते हो तो अभी करना, बाद में आप मैसेज भी करोगे ना अक्टूबर में तब भी 10,000 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। 3 से 3.5 महीने का कोर्स है, पूरा फुल कोर्स है, 100+ टॉपिक्स के ऊपर बात होने वाली है, 3 से 3.5 महीने का कोर्स है। इसमें केमिकल भी है, हेयर कट्स भी हैं, हेयर साइंस है, सैम मैम की बहुत अच्छी हेयर साइंस थ्योरी है, करना ज़रूर, बहुत मज़ा आने वाला है। उसमें बहुत सारी टाइमिंग है, सुबह से लेकर शाम तक, बल्कि लेट नाइट तक भी टाइमिंग है, जो भी आपको सूट करती है उसको आप ज्वाइन करो। बाकी अकेडमी हमारी सब खुल चुकी हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है, मुंबई की, बाहर की जितनी भी हमारी अकेडमी है, महाराष्ट्र की, बिहार की, झारखंड की, यूपी की, दिल्ली की, पंजाब की, राजस्थान की, सारी अकेडमीज हमारी खुल चुकी है। बहुत सारी नई अकेडमीज भी आ रही हैं, उसके बारे में मैं इन्फॉर्म करूंगा आपको बहुत जल्दी, ज़रूर कीजिएगा। उसके लिए आपको करना है, कोई भी जानकारी आपको चाहिए, अकेडमी ज्वाइन करनी है, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है, फ्रेंचाइजी लेनी है, किसी भी चीज़ के लिए आपको बात करनी है, ये नंबर देख रहे हैं आप, इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, यहाँ से आपको आंसर मिलेगा। अगर आपकी अकेडमी कहीं नियर बाय होगी तो वहाँ का एड्रेस आपको मिलेगा। बाकी अभी के अभी विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अभी के अभी बेनिफिट्स उठाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बेनिफिट्स उठाए हैं, लाखों बच्चे आज हमारे चैनल से भी, हमारे ऑनलाइन क्लासेस से भी बेनिफिट्स उठा रहे हैं, और आप लोग मिस मत कर देना, क्योंकि ये जो मुहिम है ना ये आप लोग के लिए चला रहे हैं, और ये वीडियोस को ज़रूर शेयर करना सारे हेयर स्टाइलिस्ट दोस्तों को आपके, आप आपके व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाओ, आपके फेसबुक पे आप टैग करो, जितनी भी वीडियोस आ रही हैं इनको भी प्रमोट करो, ताकि आपके जैसे और बच्चों के भी बेनिफिट्स हो। ब्रॉडकास्ट में डालो आप ये वीडियोस को, आप आपके ग्रुप्स में आप ऐड कर सकते हो, इसको जितना ज़्यादा फैला सकते हो ताकि और बच्चे भी बेनिफिट्स उठा सकें, ज़रूर करना इस मुहिम में हमारा साथ। बस यही है कि घर बैठे बैठे सीखो आप लोग, छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स हैं, बहुत बेनिफिट हैं इन क्वेश्चन आंसर्स के, लाइफ और आपका काम बहुत अच्छा होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में, जब तक अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।